गुड मॉर्निंग गाइस, वेदर कितना अच्छा चल रहा है ना, ठंड ठंड हो गया है और मेरा तो नहाना हो गया है और आज मैं शैम्पू भी की देखो। और इतने अच्छे वेदर में ना मटर पूरी जरूर ट्राई करना चाहिए आप लोग ना गाइस, क्यों बना सकते हो, बहुत ही यम्मी सा होता है और झट से बन भी जाता है, एक बार ट्राई जरूर करना है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुबह सुबह तो एक बार मैं ऑलरेडी चाय पी ली थी और एक बार सोच रही हूँ कि चाय पीऊंगी, क्योंकि ऐसे ठंड ठंड वेदर में ना चाय कॉफी ये सब पीना बहुत अच्छा लगता है ना। और एक कप चाय पीते पीते ना मैं ढेर सारा काम जो है बाकी है वो सब कुछ मुझे करना है, एक बार वो सब काम मैं लिपट लूँ अच्छे से, उसके बाद हम लोग साथ में ही मटर पूरी बनाएंगे, ठीक है, साथ में ही रहना हा। गाइस, मटर पूरी बनाने के लिए मैं मटर को थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दी थी और 15 मिनट मैं इसको बॉईल की और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दिया। गाइस, उबले हुए पीस को मैं मिक्सी ग्राइंडर पे देके ये पेस्ट बना ली और ये होल जीरा और रेड चिली को थोड़ा सा तल कर मैं ये, और यहाँ मैं कढ़ाई पे तेल गरम कर ली और मैं पीस का जो पेस्ट बनाई मैं उसको अब दे दूंगी। और ये जो मसाले मैं रेडी करके रखी हूँ ये भी मैं दे दी और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब थोड़ा सा नमक मैं दे रही हूँ, फ्लेम को मैं मीडियम कर दी और फिर ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अगर आप फ्लेम को मीडियम पे रखते हो तो कंटिन्यूअसली आपको ऐसे ऐसे करना होगा, नहीं तो फिर जल सकता है, ये बात ध्यान में रखना। बहुत ही यम्मी होता है ये मटर पूरी। गाइस, ये रेडी हो गया है, फ्लेम को मैं ऑफ कर दी और एक बार ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए फिर हम लोग पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। और इधर पे मैं मैदे को भून कर रखी हूँ, कढ़ाई पर ऑयल को मैं गरम कर ली और अब पूरी को मैं तलूंगी। और यहाँ पर मैं इलायची करके रखी हूँ ये, और ये 15-15 करके मैं ली और भी थोड़ा सा मटर पेस्ट जो है वो रह गया, वो बाद में देखेंगे क्या करना है। तो अब पूरी बनाते हैं, चलिए। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Guys, रेसिपी कैसा लगा ये मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड स्पेशली सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आऊंगी आप सबके पास। टिल देन स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।